हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंटरमीडिएट 2B क्लास। स्टूडेंट्स, हम लास्ट क्लास में एवेल्युएशन ऑफ दिस टाइप ऑफ इंटीग्रल्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हम पहला प्रॉब्लम a प्लस बी कॉस एक्स डी एक्स वाले इंटीग्रल को कैसे सॉल्व करना है वो देखे थे। आज की क्लास में हम a प्लस बी साइन एक्स वाले टाइप के इंटीग्रल्स को कैसे एवेल्युएट करना है वो हम देखेंगे। स्टूडेंट्स, आपके एग्जाम्स अभी बहुत ही करीब है, आप लोग ये प्रॉब्लम्स को अच्छे से प्रैक्टिस करना है, और जितने भी प्रॉब्लम्स सिमिलर प्रॉब्लम्स है टेक्स्ट बुक के अंदर, आप उसमें से रिफर करते हुए प्रॉब्लम सॉल्व करिए और आपने सॉल्यूशंस को वेरीफाई करिए टेक्स्ट बुक के सॉल्यूशंस के साथ। ओके, चलिए स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं ये वाला प्रॉब्लम। देखिए, ये वाले प्रॉब्लम में हमारे को साइन एक्स है, तो हम फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे साइन टू टीटा का फॉर्मूला, जो कि मैं लास्ट क्लास में आपको लिखाया था। ये होता है टू टाइन टीटा बाई वन प्लस टाइन स्क्वायर टीटा। सो ये वाला फॉर्मूला होता है साइन टू टीटा। अगर इन केस वहां पे 2 टीटा की जगह पे खाली टीटा हो, तब हम कैसे यूज करेंगे, 2 टाइम टीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस टाइन स्क्वायर टीटा बाई 2, यानी हाफ मल्टीप्लस में ले लेना है। अगर ये डबल रहा तो सिंगल में आता है फॉर्मूला, अगर ये एंगल सिंगल में ही हो तो हम हाफ मल्टीप्लस में ले लेंगे। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि साइन एक्स है यहाँ पे, तो हम इसको हाफ मल्टीपुल में ले लेते। तो देखिए, ये हो जाएगा अपना इंटीग्रल 1/4 प्लस 5। नाउ रिप्लेस दिस साइन एक्स बाई द फॉर्मूला 2 टैन एक्स बाई 2 बाई 1 प्लस टैन स्क्वायर एक्स बाई 2 डीएक्स। नाउ अब यहां पे देखिए, अगर हम डिनोमिनेटर यहां 1 लेकर एलसीएम ले लेते हैं 1 प्लस टैन स्क्वायर एक्स बाई 2, जो कि आपको पता है कि ये पी बाई क्यू बाई आर बाई एस रहा, तो ये ऊपर जाके एस बाई आर हो जाता है, यानी ये डिनोमिनेटर उल्टा हो जाता है। So that comes as integral of 1 plus tan square x by 2 by 4 times 1 plus tan square x by 2 plus 5 twos are 10 times tan x by 2. Now यहाँ पे observe करिए students, मैं यहाँ पे bracket का इस्तेमाल किया। ये बहुत important चीज़ें होते हैं, छोटे-छोटे से रहते हैं, मगर problem में बहुत ज़्यादा effect करते थे। जब हमारे पास ये दो टर्म्स होते हैं और किसी एक नंबर को अगर मल्टीप्लाई करना है ये दो वाले टर्म के एक्सप्रेशन को, तो ये दोनों के लिए मल्टीप्लिकेशन होता है। अगर हम यहाँ ब्रैकेट नहीं लिए तो क्या हो जाएगा, ये 4 प्लस टाइन स्क्वायर एक्स बाई 2 और वहां गलती कर लेंगे। तो यहाँ पे आपको ब्रैकेट का इस्तेमाल करना है, ये याद रखें। चलिए, अब इसको हम वापिस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 1 प्लस टाइन स्क्वायर एक्स बाई 2 आइडेंटिटी यूज करने से हो जाता है सीकेंट स्क्वायर एक्स बाई 2 डिवाइडेड बाई, नाउ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4 tan square x by 2 plus 10 tan x by 2 plus ये 4 ones are 4, एक quadratic form में आ रहा है बोल के इसको मैं इस तरीके से लिख लिया, that is dx। Now students, और next part हमारा क्या होता है, पहले ये formula substitute करते हैं, उसके बाद tan x by 2 की place में t substitute करते हैं। So let us substitute that part, okay? So what is that substitution required? tan x by 2 की प्लेस में t सब्स्टिट्यूट करेंगे। नाउ जस्ट डिफरेंशिएट दिस, tan x by 2 का डेरिवेटिव होता है secant square x by 2, फिर x by 2 का जो इंटरनल डेरिवेटिव होता है वो है 1 by 2, ओके, dx equals to dt। तो हम क्या कर सकते हैं कि ये जो secant square x by 2 dx है उसको हम क्या कर सकते हैं, 2 dt सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो देखिए, यहां जो secant square x by 2 dx है, ये दोनों ऑट हो जाएंगे और ये बन जाएंगे 2dt, और बाकी का पूरा एक्सप्रेशन हो जाएगा 4t square plus 10t plus 4। नाउ स्टूडेंट्स, आप लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ये क्वेश्चन अभी कैसा हो गया है, ये क्वाड्रेटिक वाला जो मैं आपको सेक्शन फोर्थ के अंदर हम प्रॉब्लम सॉल्व करे थे, ये सेक्शन फोर्थ का ही प्रॉब्लम हो गया एग्जैक्टली। अब हमारे यहाँ पे क्या करना है, सेम प्रोसीजर अडॉप्ट करना है जो सेक्शन फोर में करे थे। चलिए, अगर आप लोगों को याद नहीं है तो मैं यहाँ पे फिर से इसको सॉल्व करके बता देता हूँ, आपको सेक्शन फोर भी सीखने को मिल जाएगा इसके अंदर। इसमें हम क्या करते हैं, ये क्वाड्रेटिक वाला हिस्सा ले लेते हैं और पहले ये जो स्क्वेयर वाला टर्म होता है उसके कोएफिशिएंट को कॉमन ले लेना है। तो ये क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर प्लस, देखिए यहाँ फोर तो कॉमन नहीं था तो उसके डिवाइड में फोर आ जाता है, और यहां से तो 4 कॉमन था तो यहां से कॉमन में आ जाता है। कि अब दोबारा इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4t स्क्वायर हो जाएगा, ये 4 यहां आकर इससे कैंसिल करके 10t हो जाएगा, और ये 4 वन 4 हो जाता है।
ओके सो ना अगर हम इसको 2 के टेबल से कैंसिल कर दिए तो 2 2s 2 5s ऐसे कैंसिल कर ले सकते हैं। तो चलिए अब हमारे पास ये कुछ इस तरीके से आ गया है टी स्क्वायर प्लस 5/2t+1। नाउ प्रोसीजर क्या था स्टूडेंट, यहाँ हमारे को एक 2 होना है, वो a प्लस बी होल स्क्वायर या a माइनस बी होल स्क्वायर में 2ab होता है ना, सो हमको 2 की जरूरत होती है, रिक्वायर्ड होता है। तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई भी एक कर लेंगे साथ ही साथ एक डिवाइड भी कर लेंगे और बाकी के जितने भी टर्म्स है उसको हम एज इट इज यहाँ पे लिख लेंगे। तो ना अब देखिए स्टूडेंट इसको हमको कैसे लिखना है, दिस इज टी स्क्वायर प्लस ये 2 को हम यहाँ पे ले लेंगे और ये 2 2s 4, ये 5/4 एक जगह पे ले लेंगे और ये टी। तो देखिए ये ए स्क्वायर प्लस 2ab, बी का काम करेगा ये 5/4, तो हम क्या करेंगे ये 5/4 के स्क्वायर को ऐड भी करेंगे, ये 5/4 के स्क्वायर को सब्रैक्ट भी कर लेंगे एंड रिमेनिंग ये 1 एज इट इज यहाँ पे लिख लेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या हो गया कि यहां से लेके यहां तक का जो टर्म है वो बन गया ए प्लस बी होल स्क्वायर, एक परफेक्ट स्क्वायर बोलते हैं इसको, एक टर्म जो है परफेक्ट स्क्वायर में रिड्यूस हो गया है एंड बाकी के जो टर्म्स है हम उसको लिख लेंगे। बेटर विल टेक फर्स्ट पॉजिटिव टर्म देन फॉलोड बाय द नेगेटिव टर्म। ओके 5 स्क्वायर 25 और 4 स्क्वायर 16 होता है ये। सो नाउ स्टूडेंट ये अब रिड्यूस हो गया प्रॉब्लम 4 into, नाउ दिस इज टी प्लस 5/4 होल स्क्वायर एज इट इज है और यहाँ पे ये हो जाएगा 16 माइनस 25 कितना हो जाता है 11। ओके यहाँ पे इसको माइनस कर लेते हैं सो ये हो जाता है 9। ओके सो दैट विल रिड्यूस टू -9/16 जिसको हम क्या करते हैं इसे परफेक्ट स्क्वायर में लिख लेते हैं टी प्लस 5/4 होल स्क्वायर और इसको हम लिख लेंगे 3/4 होल स्क्वायर। चलिए अब इसको लिख जाकर रख देंगे हमारे वो इंटीग्रल वाले आंसर में, so that this implies our integral will reduce to 2 times 1 by, ये वाले expression की place में हम क्या रख देंगे ये वाला expression रख देंगे जो कि हम अभी इसको perfect square में reduce करें। देखिए student ये जो perfect square में reduce करने का जो procedure होता है ये बहुत सारे problems में इस्तेमाल होता है, इसको अच्छे से सीख के रखना। आप 2B में जो है आप parabola, ellipse, hyperbola वाले chapters करते हैं ना तो उसमें भी ये जो वाले problems है ना ये use में आते हैं, ये perfect square बनाने वाला problem। तो चलिए स्टूडेंट अब यहाँ पे हम फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे 2 1 times 2 2 times, ये 1/2 कांस्टेंट है इसको बाहर ले लेंगे। देखिए स्टूडेंट यहाँ पे जो फॉर्मूला हमको यूज होने वाला है वो ये है x square minus a square फॉर्मूला जो कि क्या होता है 1/2a log of x minus a by x plus a, ये होता है फॉर्मूला x square minus a square का बिना रूट वाला है, ये सेकंड सेट ऑफ फॉर्मूलेस में आप देख सकते हैं। सो नाउ दैट आंसर विल बी सो 2 1 times 2 2 times और ये टू कैंसिल होके हो जाएगा 1/3 log of, ना अब हम क्या कर सकते हैं यहाँ LCM 4 ले लेंगे सो ये 4t 5 minus 3 is 2 और यहाँ पर ये 4t 5 plus 3 is 8 plus c। अब यहां से अपन 2 कॉमन ले लेंगे और t को रिप्लेस कर देंगे, जो हमने t लिया था यहाँ tan x by 2 वहां पे हम रिप्लेस कर देंगे तो अपना इंटीग्रल आंसर हो जाएगा 1/3 log of, यहां से 2 कॉमन चले गया तो 2t बचेगा, वो t की जगह पे tan x by 2 और यहाँ पे 2 tan x by 2 plus 4। देखिए 2 जो कॉमन निकाले थे अपन न्यूमरेटर में से भी डिनोमिनेटर में से भी वो कैंसिल हो जाते और हमको आ जाता है ये वाला आंसर। ओके सो होप आप लोगों को ये प्रोसीजर अच्छे से समझ में आ गया। तो देखिए स्टूडेंट पहले वाले क्वेश्चन में हम ये वाले टाइप के इंटीग्रल सॉल्व करे थे a plus b cos x, आज हम सॉल्व करें a plus b sin x। अब नेक्स्ट उसमें देखेंगे अपन a plus b cos x sin x दोनों भी रहे, ज्यादा कुछ नहीं रहता है, सेम प्रोसीजर होता है, हमको दोनों के फॉर्मूले इसके अंदर इस्तेमाल करना होता है। ओके स्टूडेंट्स तो यहाँ पे मैं ये क्लास खत्म करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बाकी के क्वेश्चन टेक्स्ट बुक में से निकाल के प्रैक्टिस करेंगे। ओके थैंक यू वेरी मच।